नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी आप सभी लोगों का मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज का ये वीडियो भगवान बुद्ध द्वारा कहे गए एक कथन से शुरू करता हूं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। इससे ये मतलब निकलता है कि हमारे जो विचार है वो हमारे व्यक्तित्व पर कितना असर डालते हैं। हमारे व्यक्तित्व पर हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे जो थाट्स हैं वो बहुत ही गहरा असर करते हैं। और अगर यही सोच, यही विचार, यही थाट अगर नकारात्मक हो, नेगेटिव हो, तो ये तो बहुत ही बुरी बात है और ये हमारे पूरे व्यक्तित्व को बिगाड़ सकते हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि नकारात्मक, अगर आप नकारात्मक व्यक्ति है, यानी कि आपकी सोच नकारात्मक है और आपके अंदर नेगेटिविटी भर चुकी है, तो उस नेगेटिविटी को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। ऐसे कौन सा एक उपाय, मैं एक आपको सिर्फ एक उपाय बताऊंगा जो बिना पैसे का उपाय होगा, मतलब इसमें कोई पैसे खर्च आपको नहीं करना है, किसी प्रकार का आपको टाइम भी नहीं देना है, इसमें किसी प्रकार का योग नहीं करना है, क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत से वीडियो देखे होंगे जिसमें नेगेटिविटी को दूर करने के लिए योग की बात बताई है या फिर आप किसी प्रकार का कोई उपाय करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके थ्रू आप नेगेटिविटी को दूर करने के उपाय आपने सुन रखे होंगे, लेकिन आज मैं ऐसे कोई उपाय बताने वाला नहीं हूँ जो कि किसी तरह से पैसे से होता है या टाइम खर्च करके होता है। बिना टाइम, बिना पैसे के आपको एक उपाय बताऊंगा जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से आपके अंदर की नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। लेकिन पहले ये तो जान ले कि अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है तो आपको उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको नुकसान नहीं बताऊंगा तो शायद आप उपाय भी नहीं करेंगे। तो पहले आप नुकसान जान लीजिए कि आपके नेगेटिव पर्सनालिटी होने के कारण आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दूसरों को हो वो तो अलग बात है, लेकिन पहले आपको क्या नुकसान हो सकते हैं वो देखते हैं। तो जब हमारे मस्तिष्क में नेगेटिव थॉट्स का स्तर, यानी कि नकारात्मक विचारों का स्तर बढ़ जाता है, तो हमारा मस्तिष्क स्ट्रेस हार्मोन्स को लड़ो या भागो के विचारों को उत्पन्न करने की सलाह देते हैं या उत्पन्न करने के लिए कहते हैं। और जब हमारा नर्वस सिस्टम इस स्थिति तक पहुंच जाता है तो हमारे शरीर का जो सुरक्षा तंत्र है वो काम करना बंद कर देता है या उसकी फंक्शन जो है उतने अच्छी तरीके से नहीं हो पाता, जिससे हमारा शरीर थकता है और बीमार हो जाता है, और जिसके कारण हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और तनाव जैसी भयानक बीमारी आपको हो सकती है। तो चलिए, अगर आपको इन सभी चीज़ों से बचना है तो मैं एकमात्र उपाय आपको बता रहा हूँ, अगर वो आप अपनी आदत में या अपनी डेली रूटीन में उसको शामिल कर ले तो बहुत आसानी से इन सारी नेगेटिव जो थॉट्स है, आपके नेगेटिव विचार हैं, नकारात्मक विचार है, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं और कभी वो नेगेटिव विचार आपके अंदर आएंगे भी नहीं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो उपाय क्या है। उपाय यह है कि आप धार्मिक बन जाइए, अपने धर्म के प्रति आस्था बढ़ाइए, अपने धर्म का आचरण कीजिए। जो भी आप धर्म को मानते हो उसी धर्म का आप आचरण कीजिए। अब आप ये कहोगे कि यार, धार्मिक होने से या धर्म के प्रति आस्था बढ़ाने से या धर्म का आचरण करने से नेगेटिविटी का इससे क्या रिलेशन है, नेगेटिविटी इससे कैसे दूर होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति जो धर्म को सही तरीके से फॉलो करता है वो कभी नेगेटिव या उसके अंदर कभी नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने धर्म के प्रति आस्था बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपके अंदर से नेगेटिविटी दूर होती जाएगी और पॉजिटिविटी आती जाएगी, और जैसे जैसे आपके अंदर पॉजिटिविटी का स्तर बढ़ता जाएगा नेगेटिविटी गायब हो जाएगी। क्योंकि किसी भी साधारण व्यक्ति के अंदर चार प्रकार के विकार होते हैं। वो चार प्रकार के विकार कौन से? काम, क्रोध, मद और लोभ। ये चारों विकारों में से कोई से भी विकार का स्तर या चारों का स्तर जब हमारे शरीर में या हमारे मस्तिष्क में बढ़ता है तो उस वजह से आपके अंदर नेगेटिविटी आने शुरू हो जाती है। चाहे चारों में से चारों बढ़ जाए या कोई एक विचार भी अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपके अंदर नेगेटिविटी या नकारात्मक विचार या नकारात्मक सोच आपके अंदर डेवलप होने लगेगी। और अगर कोई व्यक्ति धार्मिक है तो उसके अंदर कभी भी ये चारों विकार में से कोई सा विकार नहीं आ सकता, अगर आप सच्चे तरीके से या सच्चे रूप में धार्मिक है। तो मैं उस धार्मिक की बात कर रहा हूँ जो धर्म है में मंदिर जाना, मस्जिद जाना या गिरजाघर जाना या बहुत पूजा पाठ करना, ऐसे चीज़ों को मैं धार्मिक या धार्मिक व्यक्ति नहीं बोलता हूँ। धर्म उससे भी बहुत आगे है।
तो अगर आप एक धार्मिक व्यक्ति है तो आपके अंदर ये चारों प्रकार के विकार नहीं हो सकते, और जिन व्यक्ति के अंदर ये चारों में से कोई से विकार नहीं होते या उनका स्तर ज्यादा नहीं होता तो वो कभी भी नेगेटिव या नेगेटिव पर्सनालिटी के वाले व्यक्ति नहीं हो सकते। तो अगर आपको नकारात्मक विचार से बचना है, नेगेटिविटी से बचना है या नकारात्मक पर्सनालिटी से बचना है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो और उसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश, मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।